दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज से आप लोगों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि लगभग 90 दिन बचे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को आप लोग कैसे क्वालिफाई करने जा रहे हैं इन अगले 3 महीने में। तो पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ डिटेल्ड वीडियो है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद इस अटेम्प्ट में आप लोग सभी क्वालिफाई करेंगे जो अंत तक वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हुए, नो पेन नो गेन, ये बेसिक फार्मूला है। दूसरी बात कि अपने हार्डवर्क पे बिलीव कीजिए और डेस्टिनी आपको फॉलो करेगी, ये बेसिक बात है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एग्ज़ाम के लिए, वो ये है कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग। तो जैसा कहते हैं, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, मतलब अगर आप प्लानिंग में फेल हो गए तो आप पूरी तरीके से फेल हो गए। एक और बात यहाँ पे कही गई है, एनी गोल विदाउट प्रॉपर प्लान इज़ जस्ट अ वेस्ट, किसी ने कहा है। तो आइए जो अगले 3 महीने की स्ट्रेटजी है उनको प्रॉपरली हम स्ट्रेटजाइज कर लें, सिलेबस का कोई भी पार्ट हम लोग ना छोड़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लें, और यूपीएससी के जो 5-4 साल के लगभग क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको तो कम से कम हम एनालाइज कर लें। अब 3 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इन अगले 90 दिनों में मस्ट है करना। सबसे पहले अपनी एक बुक लिस्ट और स्टडी मटेरियल आप लोगों को फाइनलाइज कर लेने हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा, चाहे मेरे को ब्रह्मा जी भी आके बोल दें तो भी मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ने वाला हूँ। बेसिक चीज़ें फिक्स कर ली जाएँ, उसके बाद एक ब्रॉड शेड्यूल आपका हो जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब फिनिश करने हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का जो क्विक रिविज़न है वो कैसे करना है। तीसरी चीज़ कि आपका डेली का रूटीन जो है वो कैसा होने वाला है, ये फिक्स कर लिया जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, जिससे कि आप माइलस्टोन जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लें अपने शेड्यूल के मुताबिक। तो ये शेड्यूल पे ही हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो अंत तक बने रहेगा वो ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, वो उसकी मेहनत के ऊपर है। और जैसा यहाँ पर बना हुआ है, कुछ ऐसी ही हो गई है ज़िंदगी एक हर एक आईएएस एस्पायरेंट्स की, यहाँ कोचिंग है, यहाँ डेली के रूटीन है, टेस्ट सीरीज है, डेली न्यूज़पेपर है, तो इस भी यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, तो इस पे अभी वरी मत कीजिए। जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तो ये दिन बड़े याद आएंगे। आइए तो सबसे पहले बेसिक सोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री के लिए जो है 11th की एनसीईआरटी ओल्ड, ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक जो है इन पे बात करेंगे। मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया। ज्योग्राफी के लिए जो है 11th-12th की एनसीईआरटी, जी सी लियोंग, और ये सब चीज़ें जो हैं हमने जो है ओमकांत ठाकुर सर जो आईएएस हैं उनके ब्लॉग से हमने ये टाइम टेबल एक बेसिक लिया है, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें जो हैं पता चल पाएँ। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस एनसीईआरटी क्लास 12th, इसके अलावा पॉलिटी की एनसीईआरटी, ये बेसिक सोर्स का मटीरियल है, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें, और इसको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देंगे कि सोर्सेज आपके क्या क्या चीज़ें हैं जो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं सोर्सेज के लिए। अब बात करते हैं सीधे सीधे शेड्यूल की, जो अगले अगले 90 दिन का आपका रहने वाला है। तो हमने ये शेड्यूल को रखा है 14 तारीख से, तो हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है, निकालो प्रीलिम्स 2021 बैच, जिसकी फ़ीस मात्र 499 रुपीज़ है, जितने डेली बेसिस पे जो आपके टारगेट्स हैं वो, प्लस डेली शेड्यूल और भी बहुत कुछ, डेली टेस्ट रिवीजन सब कुछ करा रहे हैं मात्र 499 रुपीज़ में, जो शायद आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे रजिस्टर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 14 से 29 जुलाई में आपको आर्ट एंड कल्चर करना है, 15 दिन का ही समय है, आर्ट एंड कल्चर प्लस इकोनॉमी। इसके अलावा देखिए, डे को हमने 3 शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर डे को 3 शिफ्ट्स में डिवाइड करके हमने 3 चीज़ें रखी हुई हैं कि आप दिन में लगभग लगभग 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स बना लेंगे, और उन 3 घंटों में आप लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पहले स्लॉट में आपने आर्ट एंड कल्चर करा, इकोनॉमी करा, टेस्ट सीरीज़ और आरंभ की एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारे 20,000 सब्सक्राइबर होते ही हम लोग लॉन्च कर देंगे, पूरी पूरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो वो आपको देखनी है। इसके अलावा रात को आपको रिवीजन करना है। 30 से लेके 10 अगस्त तक इंडियन पॉलिटिक कंप्लीट कर लीजिए, लगभग 12 दिन का समय है। ज्योग्राफी कर लीजिए और आरंभ सीरीज़ करंट अफेयर्स, ये तो आपको साथ साथ में रखना ही है, और सीसेट भी साथ साथ में करना है। 11 से लेके
21 अगस्त तक ज्योग्राफी कर लीजिए, मतलब ये ज्योग्राफी जो यहाँ छूट गया था, क्योंकि ज्योग्राफी बड़ा सब्जेक्ट है, 12 और 10 22 दिन लगभग आपको लग जाएंगे ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करने में। इसके साथ साथ मॉडर्न इंडिया और ये सी सेट वाला, ये तो आपको मतलब अनपैरेलल्ड चलाना ही चलाना है, क्योंकि करंट और सी सेट और टेस्ट ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में सक्सेड कराएंगी। और ये रिविजन, ये दो स्लॉट तो आपके मतलब पूरे 90 दिन एक समान ही चलने हैं। इसके अलावा 22 से लेकर 2 सितंबर तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले लीजिए, फिर एनवायरनमेंट ले लीजिए, ये वाले दो स्लॉट्स आपके वैसे ही रहेंगे। अब 3 सितंबर को क्या होगा, आपको लगभग 45 दिन पूरे हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग एक 45 दिन का रिव्यू करेंगे पूरा, कि क्या आप लोगों ने वो करा, और मतलब इसमें जो पेड बच्चे हैं उन लोगों को निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, कि क्योंकि उस दिन पूरे दिन हम लोग जो है एक एक बच्चे का इंडिविजुअल रिव्यू लेंगे, और एक एक बच्चे का इंडिविजुअल जो है चीज़ें उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कमी रह गई, कौन से टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, वो सब चीज़ें। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग नीचे रजिस्ट्रेशन का लिंक है उससे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए 4 to 9 सितंबर जो ये 5 दिन का समय है, इसमें एनवायरनमेंट रिवाइज़ कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवाइज़ कीजिए, बाकी स्लॉट्स वैसे ही रहे। अब 10 से लेकर 16 सितंबर तक आप लोगों को मॉडर्न इंडिया करना है रिवाइज़, इसके अलावा ज्योग्राफी साथ साथ में रिवाइज़ करना है। 17 से लेकर 23 सितंबर तक आपको इकोनॉमी का रिविजन करना है, और रिविजन करना है आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडिया का। 24 से लेकर 30 सितंबर तक आपको करना है पॉलिटी का रिवीजन, और रिवीजन करना है करंट अफेयर्स का। 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर लगभग प्रीलिम्स के पास, तो आप क्या कीजिए, अब फुल लेंथ टेस्ट, यहाँ पे क्या करें, आपने सेक्शनल टेस्ट और जितने भी टेस्ट थे वो तो कर ही लिए, लगभग 120+ टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा पेड बैच ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के हमारे अपने टेस्ट सब मिला के 120+ टेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जो YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए तो यह है कि आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, और बिल्कुल पूरा शेड्यूल इसी हिसाब से बनाया गया है कि फॉलो हो सके। अब इसके बाद रिवीजन, ये 5 से 9 सितंबर तक अब आपको क्या करना है कि पूरा रिवाइज करना शुरू कर देना है, जितना अभी तक करा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी पढ़ा पूरा कंसोलिडेट प्लस रिवीजन, और जितने टेस्ट थे अब उनका रिवीजन शुरू कीजिए। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, आप टेस्ट का रिवीजन करेंगे, ना कि जो आपके नोट्स हैं। टेस्ट का रिवीजन से क्या फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा कि आपने जहाँ जहाँ गलती करी होंगी तो वो चीज़ें आपकी जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब फाइनली देखिए, अब आएगा 10 अक्टूबर का दिन, ये दिन बड़ा घातक है, ये दिन जिसके लिए मेहनत करी है उसको तो फल मिलेगा, जिसने नहीं करी है उसके लिए जय श्री राम। तो अगले साल जिसने नहीं करी है वो तैयारी कर लें, बाकी जो हमारे निकालो प्रीलिम्स 2021 का बैच ज्वाइन कर रहा है उनका निकल रहा है प्रीलिम्स, देख लेना, रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है। 100+ एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, केवल 100 बच्चों का एडमिशन और लेंगे हम लोग, और नया बैच बिल्कुल फ्रेश बैच है, तो आइए जुड़ जाइए। इसके अलावा देखिए, एक बेसिक टाइम टेबल भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं, जो ओमकांत ठाकुर सर का ही है। तो अगर आप 6:30 बजे उठते हैं तो 6:30 से 8 बजे तक आप क्या कीजिए, उठ के वेकअप होके अपना योगा होगा कर लीजिए, और स्टडी के लिए 8 से 9:30 एक 1.5 घंटे का स्लॉट रख लीजिए। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह कॉल हॉल 9:30 से 10:30, यहाँ पर पूरा डिस्ट्रक्शन ख़त्म कर दीजिए। अब अगले 2 घंटे तक फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए, जिसमें आप चाहें तो 10 मिनट का जो है ब्रेक भी ले सकते हैं। 10:30 से 1:30 बजे तक 2.5 घंटे का पूरा वो कर लीजिए। अब 1:30 से लेकर 2 क्या कीजिए, लंच कीजिए, राज्यसभा टीवी की डिबेट देख लीजिए, और एटलस वगैरह प्रीलिम्स वगैरह ये देख लीजिए आप पूरा आधे घंटे में। अब 2 से लेकर 3 न्यूज़पेपर वगैरह और ये सब चीज़ें कर लीजिए, और प्रीलिम्स से 1 महीना पहले न्यूज़पेपर आप बंद कर दीजिएगा। अब 3 से 6 क्या कीजिए, 1 प्रीलिम्स का टेस्ट डेली, उसके लिए आप क्या कीजिए, प्रीलिम्स गुरु करके एक ऐप है, बिल्कुल फ्री ऐप है, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत अच्छा ऐप है, आप दिया के देखिए, बिल्कुल फ्री टेस्ट अपलोडेड है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हमारी भी टीम के कई मेंबर्स उसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो है इस तरीके से डेली उनको टेस्ट दीजिए, 1.5 घंटा सॉल्व कीजिए, और 1/2 घंटा जो है उनके स्टडी पर लगाइए। अब आगे क्या कीजिए, 6 से 7 में आप स्नैक्स वगैरह ले लीजिए और ब्रेक ले लीजिए एक। अब 7 बजे से 9 बजे तक फिर एक बैठ जाइए 2 घंटे के स्लॉट में। अब 9 से लेकर 9:30 तक डिनर और ये वही राज्यसभा टीवी वाला जो ये स्लॉट था वो यहीं पर इंक्लूड करना है। अब 9:30 से 11:30 जो है स्टडी कीजिए। अब 11:30 से लेकर 6:30
यहाँ पर क्या कीजिए, पूरी तरीके से सो जाइए। मतलब ये नहीं कि बिस्तर में लेट के आप जो है फ़ोन चला रहे हैं। तो इसको लेके एक सेशन भी पड़ा हुआ है, यूनिसेफ की काउंसलर हैं श्वेता मैम, उनका एक सेशन हमारे उसमें पड़ा हुआ है स्वास्थ्य दूत इनिशिएटिव के अंदर, उसको देख लीजिए। बहुत अच्छे से साइकोलॉजिस्ट हैं क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें। आप देखिए लगभग आपको 60 टेस्ट इन्होंने सॉल्व करने ही करने हैं, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको करने हैं, और ताकि एंड में ये हो तो जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं उनको रिवीजन भी आपको करना है। अब देखिए बेसिकली आपको अगर प्रिपरेशन कैसे राइट ट्रैक पे है ये जाने, पहले पूरे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लीजिए, प्रीवियस 5 साल के जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। आप IAS की समीक्षा सीरीज़ भी है जिसमें 1985 से 2019 तक के एनालाइज किए थे, मगर अब हमने अपडेट कर दिया प्लेलिस्ट, 2021 तक के क्वेश्चन पूरे आपको मिल जाएंगे 20 तक के। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब में अब कल से हम लोग जो है रोज़ाना 10 क्वेश्चन पोस्ट करने लग जाएंगे प्रीवियस ईयर, तो आप वहाँ पे जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपका एम यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका एम ये होना चाहिए कि लगभग 65 क्वेश्चन आपके करेक्ट हों, इतना ही आपको करना है, क्योंकि अटेम्प्ट लगभग आपको 85 करने होंगे अगर आपके 65 क्वेश्चन करेक्ट आने हैं तो, क्योंकि 65 × 2 करिए 130 हो गया, और अगर आपके 20 गलत हो जाते हैं तो लगभग 13 मार्क्स आपके करेक्ट कट हो जाते हैं, और लगभग स्कोर बनता है 116.8 जो कि लगभग 115 जो है मिनिमम कट ऑफ जाएगा ही जाएगा जनरल के लिए। और अब ST SC OBC वो जो देख रहे हो वो ये मत कहिएगा कि सर हमारी तो ये कैटेगरी है तो हम जो है हमें तो लगेगा ही नहीं, अरे 115 आएगा तो UPSC बाहर नहीं करेगी आपको, 115 आएगा तो आपके लिए भी गर्व की बात होगी। तो टारगेट जो भी किसी भी कैटेगरी का हो उसे टारगेट 115 प्लस का रखना है, ठीक है। और जो हमारे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं मुझे पूरा भरोसा है कि 115 प्लस ज़रूर आएंगे, हमारी स्ट्रेटेजी से आप फॉलो करें। अब देखिए आगे बात करते हैं हाउ टू रीच द गोल ऑफ 65, ये जो 65 क्वेश्चन करेक्ट है तो आपको ये कोशिश करना है कि लगभग आप 100 टेस्ट जो है प्रैक्टिस कर लें, यानी कि 6500 प्लस MCQs जो है क्वालिटी MCQs आप टेस्ट वो कर लें। तो 65 अगर टेस्ट मॉक हो गए यानी कि 100 MCQ ईच, तो आपको क्या मिल जाएंगे 6500 MCQs, और एक ब्रेन सेट हो जाएगा कि भैया मेरे इस क्वेश्चन में गलत होते हैं, इस क्वेश्चन में सही होते हैं। अब देखिए कई बार ये डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है आपको 65 पहुंचना, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि पेपर ही इस वे में डिज़ाइन है। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप 1 जो होते हैं इजी होते हैं, टाइप 1 में टाइप 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो लगते इजी हैं मगर डिफ़िकल्ट होते हैं, टाइप 3 जो होते हैं डिफ़िकल्ट होते हैं बट इजी लगते हैं, इसके अलावा टाइप 4 जो क्वेश्चन है वो रियली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। इस पे चंदन कुमार सर की एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे हमारे है, आप वो देख लीजिए, आपको ये जो 65 तक कैसे पहुंचना है उसका एक रास्ता पूरा मिल जाएगा। आप देखिए पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, लगभग 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में जो आते हैं क्वेश्चन उनको ही अटेम्प्ट करना है, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको क्या करना है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो डाउटफुल हैं या वो हैं तो उसको लास्ट राउंड्स के लिए रखना है। अब एडवांटेज क्या होगा इसमें, आप इजी क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करेंगे जब शॉर्ट टाइम रन होगा, मतलब रनिंग आउट हो रहा होगा जब ज़्यादा टाइम। अब आगे के 120 दिन की स्ट्रेटजी का ये प्लान था तो ये अगर हम 90 दिन के लिए भी इम्प्लीमेंट करें तो पूरी पूरी तरीके से ये लागू होता है। मॉक्स की इंपॉर्टेंस हमने बता दी है, मैप वर्क आपको करना पड़ेगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो अभी से शुरू कर दीजिए, इकोनॉमी का बेसिक्स कर लीजिए, इंडेक्सेस कर लीजिए, साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स, इसके अलावा इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स आप पूरा कर लीजिए। अब नोट्स और रिविजन पर बात कर देते हैं, अगर आपने नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं तो अब नोट्स पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा आपको। अब कोशिश ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आप कवरअप करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हों तो आप जो है हमारे नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगली वीडियो आ रही है कि इसी अटेम्प्ट में IAS बनने के लिए वैज्ञानिक टाइम टेबल क्या होगा, उसकी कुछ स्लाइड्स आपको मैं दिखा देता हूँ जिसमें हमने पूरे पूरे टाइम टेबल्स डिस्कस किए हुए हैं, किस प्रकार से जो है एक डेली जो है नाइट आउल्स को कैसे पढ़ना चाहिए, जो जल्दी उठते हैं उनको कैसे करना चाहिए, टॉपर्स के टाइम टेबल कैसे होते हैं। तो चिंता मत कीजिए, जितने भी UPSC एस्पायरेंट्स हैं आप लोग क्वालिफाई ज़रूर करेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। जो भी लोग हमारे टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं निकालो प्रीलिम्स 2021 से, उनके लिए नंबर्स और पूरे पूरे लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं,
अभी जाके रजिस्टर कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं, हज़ारों एप्लीकेशंस आ रहे हैं, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को रिस्क में मत डालिए। और इस कोर्स की प्राइस मात्र 499 रुपीज़ है, और जो हमारे स्टूडेंट्स पहले निकालो प्रीलिम्स 2021 बैच के हिस्सा थे, उनके लिए मात्र 50 रुपीज़ हमने चार्ज रखा हुआ है कि उनको 50 रुपीज़ देना है और इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो होगी आपके लिए कि इसी अटेम्प्ट में IAS बनने का वैज्ञानिक तरीका। मिलते हैं अगली वीडियो में।